आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए है। भारत सरकार ने आईफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से जो सिक्योरिटी वार्निंग जारी की गई है उसमें कहा गया है कि आईफोन 6S, आईफोन 7 सीरीज, आईफोन 8 सीरीज और आईफोन SE समेत पुराने मॉडल्स को हैकर्स अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन डिवाइसों को तत्काल ही लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लिया जाना चाहिए। साथ ही iPad Air, iPad Pro और Mini को भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लिया जाना चाहिए। CERT-IN ने ये पता किया है कि सर्टिफिकेट वैलिडेशन इशू की वजह से ये दिक्कतें हो रही है। इससे ये हो सकता है कि हैकर्स खासतौर पर कोई मालवेयर अटैक कर सकते हैं और मनमाने कोड्स को लागू करा सकते हैं। इससे आपके डिवाइस की सुरक्षा खत्म हो सकती है और हैकर्स डेटा में सेंध लगा सकते हैं। सरकार की चेतावनी बताती है कि आईफोन 6S, आईफोन 7 के सभी मॉडल, आईफोन SE का फर्स्ट जनरेशन, iPad Air 2, iPad Mini 4th जनरेशन और iPad Touch समेत कुछ और डिवाइस भी इस खतरे की चपेट में है। हालांकि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं तो हैकिंग के खतरे से बचा जा सकता है। Apple के सपोर्ट पेज पर बताया गया है कि सिस्टम की इस कमी को कैस्पर्स्की के कर्मचारियों ने तलाश किया है। गौरतलब है कि फिलहाल iOS 7 अब सामने आ चुके हैं और ये कई तरह की सुविधाओं और सुरक्षा से लैस है। एप्पल के नए फ़ोन में ये अपडेट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन पुराने फ़ोन के लिए जो भी अपडेट आ रहे हैं उन्हें भी यूज़र्स को तत्काल ही अपडेट कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह की हैकिंग के खतरे से बचा जा सके। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एप्पल या एंड्रॉयड कोई भी हो, वक्त वक्त पर अपने यूजर्स के लिए सिक्योरिटी अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप भी आईफोन का पुराना मॉडल इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके फ़ोन का मॉडल भी इस चेतावनी वाले लिस्ट में शामिल है तो अपने फ़ोन को ज़रूर अपडेट कर लें ताकि किसी भी तरह के हैकिंग के खतरे से बचा जा सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।